आज हम लोग क्लास टेंथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि उनको आगे आने वाला वीडियोज मिल सके। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम मीन्स इन ग्लास, मीडियम का मतलब इन ग्लास। तो देखिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। देखिए, पहले मान लीजिए कि अगर ये कोई मीडियम है, ये कोई इंटरफेस है, ठीक है, इधर एयर है और इधर एयर या वैक्यूम और यहाँ पर वो मीडियम या ग्लास, जो भी मीडियम है वो है। इस तरीके से रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहाँ पर नॉर्मल बना और ये आपको रिफ्रेक्टेड रे हो गया, ठीक है, रिफ्रेक्टेड रे। तो इस वाले मीडियम का हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इस मीडियम के कंपेरिजन में, यानी कि अगर ये मीडियम बी ए है और ये मीडियम बी है तो हम लोग मीडियम बी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इन कंपेरिजन टू मीडियम ए। तो क्या हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम बहुत अच्छे से लेक्चर में डिस्कस किए हैं, आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा मिल जाएगा। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब ये वाले मीडियम में, बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब इसमें कितना वेलोसिटी है, इसमें कितना वेलोसिटी है। तो 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और हमको वेलोसिटी ऑफ मीडियम निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए सिंपल कैलकुलेशन से 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, अब ये जैसे मान लीजिए जो रिफ्रेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है इधर कोई दूसरा ऑप्टिकल मीडियम हो सकता है इधर ग्लास हो, इधर वाटर हो, ऐसा भी एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ऐसे कोई ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन जब हम बात एब्सोल्यूट का करेंगे तो एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि कभी भी रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से आ रहा है, एयर से या वैक्यूम से, ठीक है, कभी भी जो इंसिडेंट लाइट है वो एयर या वैक्यूम से आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो आप क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सिंपल कैलकुलेशन 1.5 आ गया, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमेंशन फ्री होता है, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों कट गया तो यूनिट तो दोनों ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 1.5। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो लाइट है, हम क्या बताए थे जब लेक्चर ले रहे थे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कभी भी हम किसका निकालते हैं, उस मीडियम का जिसमें रिफ्रेक्शन हो रहा है। तो इसमें जैसे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको किसका निकालना है, ग्लास का, यानी कि ग्लास कहाँ है, वो मीडियम जिसमें रिफ्रेक्शन हो रहा है, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देने का मतलब है कि एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है वो एयर में से वाटर में गया है। उसी तरह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एयर में से ग्लास में गया, यहाँ एयर से वाटर में गया है, यहाँ एयर से
ग्लास में गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन आ जाए कि वाटर से ग्लास में जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो रिफ्रैक्टिव जो पहले दिया है उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में दिया है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जो पहले दिया है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 और वाटर का 4/3। तो हम क्या करेंगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल रहे हैं तो ग्लास वाला ऊपर रखेंगे, वाटर वाला नीचे। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालते तो ये रेशियो उल्टा हो जाता। ठीक है, उस समय ये रेशियो हो जाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे। ये सिंपल है, 3/2 जो है दिया हुआ है ग्लास का और वाटर का दिया है 4/3। ये सिंपल कैलकुलेशन 9/8 आ गया। ठीक है, 9/8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, अभी हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब दे रहा है कि मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का 0.7 टाइम्स है। तो सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो मान लीजिए वैक्यूम में कितना है, सी है, और बोला है कि जितना वैक्यूम में है उसका 0.7 टाइम्स, यानी 0.7 सी हो जाएगा। आ रहा है समझ, रेशियो निकालेंगे क्या हो गया, सी बाई 0.7 सी इक्वल टू 1/0.7 यानी कि 10/7। यहाँ पॉइंट जब हटेगा, जैसे ये पॉइंट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10/7, तो वही 10/7 आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ है 2.42, इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो एयर से आ रही है और किस में रिफ्रैक्ट हुई, डायमंड में जब आई तो उसके पाथ में डेविएशन आया और रिफ्रैक्शन हुआ। अगर इसका रिफ्रैक्शन 2.42 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कहने का मतलब है कि जितना जितना स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, एयर में था, डायमंड में 2.42 टाइम्स, डायमंड में 2.42 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम हो गया है। ठीक है, डायमंड में एयर का 2. देखिए क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है RI, या इसको हम ऐसे म्यू से दिखाते हैं, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन डायमंड। अब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.42 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी ऑफ डायमंड। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ डायमंड क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ एयर बाई 2.42, यानी कि जो एयर का वेलोसिटी है कितना घट गया, 1/2.42 टाइम्स घट गया। ठीक है, यानी कि घटने 1/2.42 टाइम्स हो गया, यानी कि कम हो गया। तो हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.42 दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के कंपैरिजन में, जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अगर 2.42 डायमंड का दिया है या 1.5 दिया है किसी और मीडियम का, तो इसका ये मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर के कंपैरिजन में उस वाले मीडियम में उतना टाइम्स कम हो गया है जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ठीक है,
तो इसका एग्जैक्टली अगर वर्ड्स हम देखें तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 4.2.42, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड बाई 2.42 टाइम्स इन डायमंड इन कंपेरिजन टू एयर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये भी छोड़े बिल्कुल 4 की तरह है, बिल्कुल उससे अलग नहीं है, 4 की तरह है। ठीक है, 4 नहीं, 4 और 3 दोनों मिला जुला सवाल है ये, 4 और 3 की तरह। ठीक है, दोनों मिलाने पर ये 6 है, वैसा क्वेश्चन है। 7 दिया हुआ है, हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पेन इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ग्लास पेन है, कितना 2 mm का एक ग्लास पेन है, इसको रे ऑफ लाइट क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी अगर इस ग्लास पेन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इस ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो मीडियम के जगह पे यहाँ पे ग्लास है, तो वेलोसिटी इन ग्लास क्या हो जाएगा, एयर में तो 3×10⁸ है, वेलोसिटी इन ग्लास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, यानी कि 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किसमें, तो ग्लास में। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में है। अब उसके बाद हमको वेलोसिटी मिल गया, कितना डिस्टेंस पास करना है, यानी 2 mm, 2 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 2×10⁻³ मीटर। ठीक है, तो हमको टाइम पूछा है, तो टाइम हमको पता है कि क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2×10⁻³ मीटर, स्पीड कितना है, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब उसको कैंसिल करने के बाद कितना आया, 10⁻¹ सेकेंड, इतने देर में वो उस ग्लास पेन को पार कर जाएगी लाइट। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करके भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या बुरा लगा। ठीक है, ताकि सुधार के बनाया जा सके, और अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आपके 10th क्लास तक के रिगार्डिंग, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9472596352, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पे एक पेज है द रेवोल्यूशन एक क्रांति, आप यहाँ भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, अगर एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।